करना है, पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? यू जस्ट हैव टू आंसर व्हाट एवर यू फील लाइक. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस, सो एज आई वाज टेलिंग यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पता है किस तरह यहाँ पर सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट में जो भी इनकरेक्ट है उसको आपको करेक्ट करके बताना है. इट इज आई हु हैज डन इट, ये आपका स्टेटमेंट था. इस तरह के मैंने स्टेटमेंट्स आपको करवाए हैं जब प्रोनाउन पढ़ाया था. यू हैव टू फाइंड इफ द प्रोनाउन इज इट सी. यहाँ पर एक ही चीज पॉसिबल चेंजेस हो सकती है. प्रोनाउन यहाँ पर एक ही यूज हुआ है, ठीक है. अगर दो यूज हुआ भी है तो वो सेम चीज के लिए यूज हुआ है. आपका ये स्टेटमेंट जो था ये उस रूल से रिलेटेड है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है ये इसका एक हमने जो नाउन का रूल्स पढ़ा था, प्रोनाउन का रूल, कि जब हमारा जो स्टेटमेंट रहता है, इस तरह का जो स्टेटमेंट रहता है, अगर हम वहां पर दिखा रहे हैं कि एक्यूजेटिव केस है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि वहां पर मेन कोई काम हो नहीं रहा है, ठीक है, करने बोला जा रहा है, ठीक है, कि तुम उससे जाके बोल के करो, ऐसा करने के लिए करो, मतलब इनडायरेक्टली वो स्टेटमेंट पहुंचाया जा रहा है किसी के पास, तो उस केस में आपका ऑब्जेक्टिव केस रहता है. अगर डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट बोला जा रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा. सो रीड केयरफुली व्हाट पॉसिबल एरर कैन बी देयर इन दिस सेंटेंस. इट इज आई हु हैज डन इट. क्या पॉसिबल एरर है यहाँ पर जो आपको लग रहा है? यू कैन जस्ट गो अहेड एंड आंसर थ्रू द चैट बॉक्स और यू कैन जस्ट राइट रेज योर हैंड एंड आंसर द क्वेश्चन. यस राहुल. मैम इट इज दैट आई हैव डन इट. ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव ऑलरेडी आंसर्ड. तो ये चीज मैं बता दूं यहाँ पर कैसा स्टेटमेंट यूज हो रहा है और क्या स्टेटमेंट यूज हो रहा है. सी द स्टेटमेंट दैट इज बीइंग यूज्ड हियर, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपका यूज हो रहा है दैट इज इट इज आई हु हैज डन इट. ये बता रहा है कि वो मैं हूँ जिसने वो काम किया है, ठीक है, जिसने काम किया है या जिसने काम कंप्लीट कर लिया है वो मैं हूँ, ठीक है. ये स्टेटमेंट इस तरह का ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब कि यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है. तो ये आपका मेन वर्ब है, डन जो है आपका मेन वर्ब है, ठीक है. यानी कि मेन वर्ब है सेंटेंस में, अगर आपका मेन वर्ब है और वो जिसके लिए लिखा गया है. It is I who has done it. मैं. Excuse me, ma'am. ये sentence right है. It is I correct sentence है. Who has done it? ये भी correct sentence है. Okay. Yes. So as I was explaining कि यहाँ पर आपका जो statement है, that is यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि वो मैं हूँ जिसने ये काम किया है. तो it is done यानी कि जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, यानी कि काम हो रहा है. आपका वर्ब है, मेन वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट है और सेंटेंस में जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो भी प्रेजेंट है. तो इट इज आई हु हैज डन इट का मतलब कि यहाँ पर हु जो लगा है वो आई के लिए लगा है, यानी सब्जेक्ट के लिए लगा है, विच इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर दोनों सेंस में आपका जो सेंटेंस है ये करेक्ट है. अगर कहीं पॉसिबल एरर हो सकता है तो दैट इज कि यहाँ पर हैज की जगह हैव लग सकता है,
इफ वी लुक एट द सेंटेंस ऑन द सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, आई के साथ हैज नहीं लगता है, बट क्योंकि यहाँ पर हु बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दो अलग पार्ट में डिवाइडेड हो रखा है. इट इज आई इज योर फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज हु हैज डन इट. तो हु हैज डन इज का यहाँ पर हु रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, ठीक है, जो कि हमको पता है कि हु सब्जेक्ट को ही रेफर करता है. तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट इन इटसेल्फ, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करिए. नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड. Whatever pronoun is being used in the sentence, just go ahead and read all the nouns, all the, you can say all the rules that are related to that pronoun, और उसके according फिर आप यहाँ पर sentence correct करिए कि क्या होना चाहिए. Okay, I do have one answer. Anybody else who would like to answer? मैम यहाँ तो सबसे फर्स्ट इज नहीं होगा, आर होगा. अगर नन ऑफ नन लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर होता है मैम. राजेश, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, बट आई थिंक आई नो व्हाट योर आंसर इज, ठीक है. तो यू नीड नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. जो भी आपको आंसर लग रहा है जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, यू कैन जस्ट स्पीक इट हियर इफ योर ऑडियो इज नॉट एनी डिस्ट्रप्टिव, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर जो भी आंसर है, अदरवाइज आप यहाँ पर लिख दीजिए. आई हैव टू आंसर्स फ्रॉम द चैट बॉक्स एंड वन फ्रॉम द ऑडियो. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर? मैम नन ऑफ सिस्टर्स आर मैरिड. Okay. All right. So let's look at the statement what we have here. None of the two sisters is married. यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, मीनिंग क्या है इस सेंटेंस में, कि दो बहनें हैं और दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई है, यही सेंटेंस कहा जा रहा है. तो हमें पता है कि नन जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है पहली बात तो, और ये प्रोनाउन जो है ये तब यूज होता है जब हम दो से ज्यादा सब्जेक्ट रखते हैं सेंटेंस में. सो व्हेन यू हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि नंबर ऑफ सिस्टर्स यहाँ पर दो हैं, तो आप नन नहीं लगा सकते हैं स्टेटमेंट में. और अगर आप नन नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे. एंड इफ यू आर टेकिंग नाइदर एज द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर इज जो है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज यू नो नाइदर और आइदर के साथ अगर आपका दोनों सब्जेक्ट है तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब रख सकते हो, सिंगुलर प्रोनाउन लगाओगे, उसके पोजेसिव प्रोनाउन अगर उसके लिए लगाओगे तो सिंगुलर लगाओगे, क्योंकि नाइदर और आइदर के केस में क्या होता है कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑल्सो, एंड नाइदर मतलब कि दोनों में से किसी एक की कम से कम होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई है. आइदर यानी कि उनमें से कोई एक, तो जब एक चूज ऑलरेडी हो रहा है या फिर एक ही एक कम से कम एक चूज करना है, दोनों ही केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं. इसीलिए यहाँ पर केस जो रहता है आपका नाइदर वाला केस या आइदर वाले केस में सिंगुलर सब सिंगुलर इस चीज को एज अ वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, एज अ सब प्रोनाउन भी यहाँ पर उसके लिए सिंगुलर लगेगा. तो नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, मतलब दोनों में से किसी एक की भी शादी नहीं हुई है, ठीक है. सिंस नाइदर इज यूज्ड, वी आर यूजिंग सिंगुलर हियर, इस यहाँ पर इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में से कम किसी एक की होनी चाहिए. तो जब नाइदर आइदर लगता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, दो में से कोई एक होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इज लगा है.
अगर डाउट है तो किसी को पूछ लो, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर सकते हैं. वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. Read the sentence, take out the pronouns that you see in the sentence and relate the rules that you have studied. जो भी pronoun sentence में दिख रहे हैं उसे बाहर निकालिए, उससे related जो भी rules पढ़े हैं उसे याद करिए, या फिर आप सामने खोल के देख सकते हैं pronoun की file और याद करिए कि यहाँ पर जिसके according लगना चाहिए उसके according वो pronoun लगा है या वो sentence बना है या नहीं बना है. Ma'am, can you tell rules? You can go ahead and look at pronoun का जो फाइल दिया ना उसमें आप वापस जाके देख सकते हैं. रूल्स मैं बता दूंगी तो मतलब मैं समझा ही दूंगी ना, आंसर तो बता ही दूंगी आपको. आप खुद से देखिए, खुद से बनाइए और खुद से आंसर करिए कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होना चाहिए था. All right, I have one answer. Anybody else answer? मैम इसको यहाँ पे इच अदर बोल सकते थे, इच अदर शुड टेक टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. Yes, anybody else who would like to answer the question? I have 3 answers here. All right, so let's go ahead and I'll tell you what is the answer here. यहाँ पर देखिए question में लिखा गया है one should take care of his health. One वाला जो statement था, I have told you one किसके लिए लिखते हैं, जब हम किसी हर एक इंसान के लिए दुनिया में जितने भी पर्सन हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सभी के लिए अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि ट्रू है उन सभी के लिए, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स में हम वन लगाकर लिख सकते हैं. उस स्टेटमेंट में अगर हम वन लिख रहे हैं दैट मीन्स हम हर एक इंसान को रेफर कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो यहाँ पर वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ का मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान जो यहाँ पर दुनिया में है उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, उसे अपना ख्याल, उसने उसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. तो यहाँ पर हिज जो है दैट इज योर पोजेसिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड. तो वहां पर आपका रूल में स्पेसिफिकली बताया गया है व्हेन वन इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन इन द सेंटेंस इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस उसके साथ जो पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा दैट वुड बी वंस, ठीक है. वो जो पोजेसिव प्रोनाउन उसके साथ लगेगा वो है वंस. So one should take care of one's health. This is your correct statement. ठीक है, अगर आपको confusion हो रहा है तो you can look back to the rules that I have already sent to you. Pronoun की जो file है उसमें ये rules specify किया गया है. जब आप one use करते हैं तो उसके साथ possessive pronoun once लगता है, और उसके साथ अगर आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगाना है तो वहां पर आप वन सेल्फ लगाएंगे, हिम सेल्फ, देयर सेल्फ, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे. अगर आपके सेंटेंस में वन है
दैट मीन्स कि पोजेसिव प्रोनाउन वंस होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वंसेल्फ होना चाहिए. ऑलराइट, सो दीज वर योर क्वेश्चंस. अगर किसी को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस, यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी. और वन मिनट, यस, यू कैन गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट. और आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट वी कैन डू. मैम वन क्वेश्चन, when will you use another? One another. One after use करते हैं जब आपका यहाँ पर sentence जो जैसा यहाँ पर था, एक sentence था. Yes, ये जो statement है यहाँ पर देखिए, both brothers है, यानी कि दो जब हैं तब आप each other use करते हैं. जब दो से ज्यादा हो जाएंगे, जैसे अगर मैं कहूँ कि all the students in BSCIT second year support or help वन अनदर, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनका नंबर दो से ज्यादा है, तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेटमेंट में वो दो से ज्यादा हो गए. उस केस में इस तरह का जब स्टेटमेंट आप फॉर्म करेंगे तब आप वहां पर वन अनदर यूज करेंगे. ओके मैम, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस? Alright, if you don't have any questions, so जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, pronouns खत्म होने के बाद we were going to do some comprehension questions, जिसके बाद हम कुछ यहाँ पर activities करेंगे about your communication, ठीक है? Communication की कुछ activities मैं चाह रही थी कि offline classes start हो जाएं उसके बाद शुरू हो, तो ऐसा नहीं है, हम लोग start कर देंगे. जब भी start होंगी हमारी offline classes, जब तक आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऑनलाइन में किस तरह यहाँ पर अपना स्पीच प्रेजेंट करना है या जो भी कम्युनिकेशन करना है. इफ इन फ्यूचर अगर आपको इंटरव्यू देना हो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मोड के थ्रू, जूम के थ्रू, अगर मान लीजिए आपको कोई इंटरव्यू देना है तो उसमें भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. एंड ऑफलाइन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ऑब्वियसली आप वहां तो प्रैक्टिस करेंगे ही, ठीक है? तो दोनों चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी. सो वी आर गोइंग टू डू टूडे passage itself, ठीक है? Passage हम लोग आज करेंगे. I think we do have time, ठीक है? तो यहाँ पर passage जो है इसका आप screenshot भी रख लीजिए. जो बच्चे system पे logged in है, system पे भी आपको screenshot पता है, होता है, you are BSCIT student, आपको पता ही होगा. Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूँ, Windows plus print screen करेंगे तो direct screenshot होता है. अगर नहीं हो रहा है वैसा तो कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन करिए, दैट वुड बी कॉपी योर होल स्क्रीन एंड वहां से आप पेस्ट कर सकते हैं पेंट में, ठीक है? अगर आप मोबाइल पे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप स्लाइड कर लीजिए स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली और स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसीलिए कहती हूँ हमेशा, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं उस टाइम आपको ये स्क्रीन में नहीं दिखा सकती, और ये हेल्पफुल रहता है जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसके बाद पैसेज एक बार देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज डिस्कस की गई थी, वो हेल्प करती है आपको क्वेश्चन जल्दी आसानी से आंसर करने में. सो इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है? जल्दी से ले लीजिए. उसके बाद आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, दिस इज द सेकेंड पार्ट, यहाँ से सेकेंड पोर्शन है. एक ही पैसेज है पूरा, एक ही पैराग्राफ, एक ही पूरा लिखा हुआ है, कहीं पे पैराग्राफ चेंज नहीं किया गया है. Just keep the screenshot and after you have taken the screenshot, start reading the passage. मैं समझा दूंगी, बहुत बड़ा पैसेज नहीं है लेकिन 10 मिनट मुझे समझाने में भी लगेगा, ठीक है? तो मैं आपको 6-7 मिनट दे रही हूँ ताकि आप यहाँ पर पढ़ ले पैसेज, उसके बाद फिर आप आराम से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? Alright. जब मैं explain कर रही हूँ तो ध्यान से सुन ले, so that you are able to understand all the things that I'm explaining. ओके, सो यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं. जो प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम. द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज क्वाइट ओल्ड एजुकेशन सिस्टम दैट स्टिल एग्जिस्ट. हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है. यानी कि बहुत सारे सिविलाइजेशन हमें पता है जो ओल्ड एज ओल्ड टाइम में, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले बहुत सारे सिविलाइजेशन हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं है.
लेकिन इंडिया एक ऐसा सिविलाइजेशन है, या हिंदू हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो बहुत ही साल हजारों सालों पहले से चला आ रहा है, और आज भी ये सिविलाइजेशन उसी तरह है, या एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो गया है लेकिन अभी भी ये सिविलाइजेशन जिंदा है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत सालों से चला आ रहा था। जैसे आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है, यानी कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, अभी भी उस वो यूनिवर्सिटी जो है उसमें पढ़ाई होती है। तो यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही पुराना है, वो बहुत ही पुराने एज से चला आ रहा है और अभी भी एग्जिस्ट करता है। इट हैज प्रोड्यूस्ड सो मेनी जीनियस माइंड्स दैट आर मेकिंग इंडिया प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतने सारे जीनियस माइंड हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं कि वो सारे जो जीनियस हैं उन सभी को इंडिया पे बहुत ज्यादा गर्व है, और वो इंडिया का नाम जो है बाकी देशों में जाकर, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड, वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हाउएवर व्हाइल इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम, इट इज स्टिल नॉट दैट डेवलप्ड व्हेन कंपेयर्ड टू अदर्स व्हिच आर इन फैक्ट न्यूअर। जो हमारा ओल्डेस्ट सिस्टम है, जो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद डेवलप्ड नहीं है, यानी कि नए दौर के तरीकों से अभी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर उसके नए एरा के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस जो हैं नहीं हो पा रही हैं, कंपैटिबल नहीं हो पा रही हैं। जबकि जो न्यूअर सिस्टम्स हैं, यानी कि जो सिस्टम्स इतने पुराने नहीं है कंपैरिजन टू हमसे, जो नए सिस्टम्स हैं उनमें जो एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, उन कंट्रीज में जो एजुकेशन सिस्टम्स हो रहा है वो काफी एडवांस है, वो काफी अपडेटेड है। ठीक है, द अदर कंट्रीज हैव गॉन थ्रू ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इसका रीजन ये है कि जो बाकी कंट्रीज हैं उन वो ग्रोथ और एडवांसमेंट के फेज से गुजरी हैं, यानी कि वहां पर जो अलग अलग चीजें हैं उसमें इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एडवांस हो रहा है सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी ग्रोथ्स जो हैं उनसे गुजर के वो कंट्रीज जो हैं वो अभी सिविलाइजेशन बैठी है उनकी, और इस वजह से उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी डेवलप्ड है। बट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज स्टिल स्टक इन ओल्ड एज, यानी कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक वहां पर जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था वहां पर ही हो रहा है, वैसे ही चला आ रहा है। ठीक है, इट फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉर्टेड एंड इट रीचेस इट्स फुल पोटेंशियल। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उस सबको हमें सॉर्ट करना है, यानी कि उस उन सभी प्रॉब्लम्स को हमें सुलझाना है जिससे हम क्या कर सके, हम अपने फुल पोटेंशियल पे रीच कर सके, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जीनियसेस अभी भी दुनिया को दे सकते हैं, लेकिन ये सारी जो है पोटेंशियल हमारी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हम उस पोटेंशियल पे पहुंच पा रहे हैं, उस कैपेसिटी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें अभी सॉर्ट करनी बाकी है। आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट डू नॉट लेट इट प्रॉस्पर एंड हेल्प अदर चिल्ड्रन सक्सीड इन लाइफ। जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो खुद सिस्टम को प्रॉस्पर नहीं होने देता है। प्रॉस्पर का मतलब होता है जब आप इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, जब आपको वेल्थ और हेल्थ या हर एक एस्पेक्ट से आप स्टेबल हो जाते हैं, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसे प्रॉस्पेरिटी स्टेट कहा जाता है। तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रॉस्पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर पे हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर लाइफ में सक्सीड करने के लिए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इट हैज टू फेस इज द पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पुअर ग्रेडिंग सिस्टम। इट जजेस द इंटेलिजेंस ऑफ अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्स। हमारा जो सिस्टम, What is poor grading system? Poor grading system मतलब हम जज किससे करते हैं, बच्चों का जो कैपेसिटी है वो किस तरह नापते हैं कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत ही खराब है, तो उसी को लिखा गया है पुअर ग्रेडिंग सिस्टम।
हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को जज करते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस है वो जज करते हैं किस बेसिस पर, रिटन फॉर्म ऑफ एग्जाम्स के। अगर आपने जो एग्जाम दिया है उसमें आपके नंबर अच्छे आए हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर नहीं तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते कभी। दैट इज वेरी अनफेयर टू द स्टूडेंट्स हु आर गुड इन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस बट नॉट दैट गुड एट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। यानी कि ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी गलत है, अनफेयर है, जिनका ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अच्छा है। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलता है, वो स्पोर्ट्स का कोई एक टीम का कैप्टन है, उसने बहुत सारी ट्रॉफीज जिताई हैं अपने यूनिवर्सिटी के लिए या फिर अपने स्कूल के लिए, और उसके पास बहुत सारे मेडल्स भी हैं, उसकी वजह से स्कूल का बहुत नाम भी हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट्स जो है जहाँ पर वो रिटन टेस्ट देता है उसमें उसके मार्क्स 70-60 से ऊपर नहीं जाते हैं। हालांकि ये भी एवरेज मार्किंग है, ये भी बहुत कम नहीं है, ऐसा नहीं कि वो फेल कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके ये वाली परफॉर्मेंस जो है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, उसे भुलाकर कितने उसने मेडल्स मिले हैं, कितना उसे शाबाशी मिली है, इन सभी चीजों को भुलाकर उसके ग्रेड्स पे ही ध्यान देते हैं कि उसके मार्क्स इस सब्जेक्ट में इतने कम आए हैं, इस सब्जेक्ट में इतने कम आए हैं। या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाकी सभी सब्जेक्ट में अच्छा है लेकिन कोई एक सब्जेक्ट में वो कमजोर है, तो उसके ऊपर भी उस पे सवाल उठाया जाता है कि बाकी सब्जेक्ट में वो शायद चीटिंग कर रहा है या बाकी ये वाला सब्जेक्ट वो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसीलिए उसके मार्क्स जो हैं कम आ रहे हैं। हाउएवर दे ओनली स्ट्राइव टू गेट गुड मार्क्स नॉट पेइंग अटेंशन, मोर ओवर दे ओनली स्ट्राइव टू गेट गुड मार्क्स एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज टॉट। यानी कि ये स्ट्राइव करने का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ावा देना, तो ये बढ़ावा देता है, ये जो सिस्टम है ये बढ़ावा देता है कि हमें सिर्फ गुड मार्क्स चाहिए और तुम्हें समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं समझ में आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस गुड मार्क्स किसी भी तरह अच्छे मार्क्स लाने हैं। इन द अदर वर्ड्स दिस इनकरेजेस गेटिंग गुड मार्क्स थ्रू मग अप एंड नॉट एक्चुअली ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। इसका मतलब ये क्या इनकरेज करता है, इनकरेज करना भी मतलब बढ़ावा देना होता है, तो ये क्या बढ़ावा देता है कि तुम्हें बस गुड मार्क्स लाने हैं चाहे तुम्हें रटना पड़े। मगिंग अप मतलब रटना, पूरा अच्छे तरह से बाय हार्ट याद कर लेना, मतलब एक तरह से गलत सेंस में कुछ भी गलत काम करके मार्क्स अच्छे ले आना, लेकिन यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे। ग्रास्प का मतलब पकड़ बनाना, मजबूत पकड़ बनाना कॉन्सेप्ट पे, तो आप जो कॉन्सेप्ट है वो उसको अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे, ठीक है। बस आपको ये इनकरेज कर रहे हो बच्चों को कि आप किसी भी तरह बस अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। Furthermore, what is the difference between encourage and strive? The difference is they are used in different type of circumstances, ठीक है। ये synonyms हैं, strive और encourages जो है वो synonyms हैं, इनका similar meaning होता है लेकिन ये अलग अलग तरह के sentences में use होते हैं। जहाँ आप स्ट्राइव लगाते हैं या फिर जहाँ आप इनकरेजेस लगाते हैं, देयर इज ओनली डिफरेंस इन विच प्लेसेस यू आर यूजिंग, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है कि कहीं पर आप इनकरेज जहाँ पर लिखते हैं, यानी कि आप साफ साफ दिखाना चाह रहे हैं कि इस चीज को बढ़ावा आप दे रहे हैं, ठीक है। इनकरेजेस एक तरह से पॉजिटिव वे में सेंस, पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है, स्ट्राइव थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में पार्ट हो जाता है उसका। अगर हम स्ट्राइव कहते हैं तो बहुत सारे केसेस में वो जरूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके मैम, ऑलराइट। फर्दरमोर वी सी हाउ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोर्सेस ऑन थ्योरी मोर। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो थ्योरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और लिटिल परसेंटेज गिवन टू द प्रैक्टिकल। आपने देखा होगा 12th के जो मार्क्स आपके जाते हैं, 70-80% 70-80 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है और 20-30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकल पे हम बहुत कम जोर डालते हैं, बहुत कम इम्पोर्टेंस उसे देते हैं और थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इट मेक्स देम रन आफ्टर द बुकिश नॉलेज एंड नॉट एक्चुअली अप्लाइंग इट टू द रियल वर्ल्ड। इसका मतलब जो बच्चे हैं इनको हम एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं कि वो बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे और रियल वर्ल्ड में उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस तरह उसको यूज किया जाए उस नॉलेज को, इस चीज पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। दिस प्रैक्टिस मेक्स देम परप्लेक्स्ड व्हेन दे गो आउट इन द रियल वर्ल्ड
ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज. अब क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो जब वो रियल वर्ल्ड में काम करने जाते हैं तो वो परप्लेक्स्ड हो जाते हैं. परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप इस चीज को, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप परप्लेक्स्ड हैं. ठीक है. ऑलराइट, एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टूड हियर इतना पार्ट में, किसी को भी कुछ ऐसा जो नहीं समझ में? All right, let's move ahead then. Yes, most important, the Indian education system does not emphasize enough on the importance of sports and arts. यानी कि Indian education system जो है वो sports और arts पे बिल्कुल भी importance नहीं देती है. Sports जो है वो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है, टीम वर्क, बींग अ लीडर, बींग अ टीम मेंबर, how to do your work when there are a lot of members involved. ठीक है, आप टीम में किस तरह काम करते हैं, टीम में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, टीम लीडर कैसे बना जाए, लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप अगर टीम मेंबर भी हैं तो उस आपकी भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक प्लेस है जहां पर आपको विदहोल्ड करना है. ये सारी चीजें आपको अलग अलग स्पोर्ट्स सिखाता है. आर्ट्स आपको क्रिएटिव होना सिखाता है. हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जैसा नहीं होता है. यू कैन सॉल्व मेनी मेनी प्रॉब्लम्स विद मेनी वेज. और ये क्रिएटिव वेज जो आपको मिलते हैं, अलग अलग तरीके जो ढूंढते हैं कि अलग अलग तरीकों से वहां पर सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को, ये आपको आर्ट सिखा सकता है. आर्ट डज नॉट मीन पेंटिंग एंड आर्ट ओनली. ठीक है, आर्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं. स्टूडेंट्स आर ऑलवेज आस्क्ड टू स्टडी ऑल द टाइम वेयर दे गेट नो टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स एंड आर्ट. हमेशा बच्चों को इनकरेज किया जा रहा है हमारे सिस्टम में कि वो हमेशा पढ़ते ही रहें, और इसकी वजह से उन्हें बाकी एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है. एज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, वी नीड टू कम अप विद इफेक्टिव सॉल्यूशन सो इट इज इम्प्रूव्स एंड क्रिएट्स अ ब्राइटर फ्यूचर. हमें इस सारी प्रॉब्लम्स का एफिशिएंट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा जो बहुत ही काम कर सके, अच्छे से इफेक्ट कर सके, तुरंत इफेक्ट करे, ऐसा सोल्यूशन खोजना है जिससे हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट कर सकें, यानी कि स्टूडेंट को अच्छा फ्यूचर दे सकें. वी कैन स्टार्ट बाय फोकसिंग ऑन स्टिल स्किल डेवलपमेंट. अलग अलग टाइप के स्किल्स हम डेवलप करना सिखा सकते हैं. ठीक है, मेंटल स्किल्स हो गया, किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, किस तरह अपने गुस्से को काबू में रखा जाए, किस तरह किस पर्सन से कम्युनिकेट आपको करना है, कहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन किया जाए कि आप अपना प्रॉफिट निकाल सकें, ये सारे स्किल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो बेसिक डेवलपमेंट में आपको नहीं सिखाए जाते हैं. द स्कूल्स एंड कॉलेजेस मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन रैंक्स एंड ग्रेड. हमें सिर्फ रैंक और ग्रेड पे ही नहीं फोकस करना है, बट ऑन द एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल्स पे भी ध्यान देना है. एनालिटिकल यानी हर एक प्रॉब्लम का कितने तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं और कितनी आसानी से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आपका एनालिटिकल थिंकिंग बताता है. क्रिएटिव यानी कि अलग अलग तरीके से जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो मजेदार हो, जो अच्छा हो, जो इफेक्टिव हो, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो सके, ये सारे वेज आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं. दैट मीन्स यू हैव क्रिएटिव स्किल. इन एडिशन सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी मेयरली टॉट थियोरेटिकली बट विद प्रैक्टिकल. जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें सिर्फ थियोरेटिकली ही नहीं, प्रैक्टिकली भी समझाना चाहिए. यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जहाँ रियल वर्ल्ड में यूज होगा, वो सारी चीजें आपको बतानी चाहिए. मतलब इतना कि आप समझ पाए कि क्यों आप वो चीज पढ़ रहे हैं. दिस विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विदाउट देम हैविंग टू मग अप द होल थिंग ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज. अब यहाँ पर ये चीज, अगर आप थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चों को इंकरेजमेंट मिलेगा कि वो कॉन्सेप्ट को समझ पाए और बिना रट्टे हर एक चीज उन्हें समझ में आ जाए पूरा अच्छे से. ठीक है. ऑल्सो द सिलेबस मस्ट बी अपडेटेड विद द चेंजिंग टाइम एंड नॉट फॉलो द ओल्ड पैटर्न. सिलेबस हमें मगअप मींस, सॉरी मगअप मींस मगअप, रटना. ओके, यस. तो हमें सिलेबस यहाँ अप टू डेट चाहिए. जैसे चेंजिंग टाइम में हमारा जो भी
कुछ भी ऐसा हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं जो हमारे रियल लाइफ वर्ल्ड में यूज नहीं हो रहा है तो उसे हटा देना चाहिए. कुछ ऐसा इंक्लूड करना चाहिए जो हमारे जॉब के लिए हमारे या फिर हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है. उन सबको इंक्लूड करना चाहिए. अदर देन दैट द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस मस्ट नाउ इंक्रीज द पेरोल ऑफ टीचर्स. ऑल्सो दे क्लियरली डिजर्व मोर देन वॉट दे as they clearly deserve more than what they are offered. To save money, schools hire teachers who are not qualified enough. To create very bad classroom environment and learning, they must be hired if they are fit for the job and not because they are working at a lesser salary. बहुत सारे government और private colleges क्या करते हैं, जो salary होता है teachers का नहीं बढ़ाते हैं, जो कि वो deserve करते हैं अच्छी salary पाना. फिर भी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस क्या करते हैं, ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है. क्वालिफाइड इन द सेंस कि वो पढ़ा नहीं सकते हैं. डजंट मैटर कि आपके पास 10 डिग्रियां हैं, और ये भी मैटर नहीं करता कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है. क्वालिफाइड इन द सेंस कि वो बच्चों को अच्छे से क्लास में पढ़ा सके. और ऐसे टीचर हायर करने से जो नहीं पढ़ा पाते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, लर्निंग का सिस्टम खराब हो जाता है. जो फिट नहीं है इन टीचर्स को हमें हायर नहीं करना है. सिर्फ इसलिए हायर नहीं कर लेना है क्योंकि वो कम सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हो गए हैं. ठीक है, जो भी समझ में नहीं आया है वो अभी पूछ लो. ये फाइल जो है, टाइम तो हो गया है तो मैं एक काम करती हूँ, ये फाइल आपको मैं सेंड कर देती हूँ. इसमें और एक पैसेज है, और इसके जो मैंने अभी पढ़ाया, इस पैसेज के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो आप नेक्स्ट क्लास मुझे करके दिखाइएगा. ये पैसेज मैंने पूरा समझा दिया है. जो नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास पूछ लेना. और एक पैसेज है यहाँ पर, ये 5 क्वेश्चंस ऊपर वाले पैसेज के हैं. ये 5 क्वेश्चन, ये एक पैसेज है, इसके भी 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको गिवन है. तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको कल आंसर करके लाना है. एक पैसेज मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको समझ में आए किस तरह यहाँ पर आंसर करना है, किस तरह आंसर निकालना है पैसेज से, किस तरह समझना है पैसेज को. एक पैसेज आप खुद से करके आइए ताकि आपको समझ में आए कि आप कितना खुद से आंसर कर पा रहे हैं अच्छे से. ऑल राइट, ओके. सो आई हैव टेकन द अटेंडेंस. इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट रिलेटेड टू द पैसेज दैट वी हैव रेड, तो अभी एक बार पूछ लीजिए. कोई भी अगर डाउट है तो, जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट होगा, द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर इन देम. हां मैम. All right, then let's end this class here and see you in the next class. I will send this file around 5, kyunki abhi 4 to 5 continuous class hai meri. 4 to 5 wali class. Ma'am, definitely you will send this file. Haan, because 4 to 5 mein bhi. So you forget this. Theek hai, to dono hi group mein send kar dungi, aapko bhi aur unko bhi. Theek hai? Okay. Okay.